सब्सक्राइब कीजिए धे आईएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा धे आईएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं धे टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाइट फंगस के विषय में, समझेंगे ये व्हाइट फंगस क्या होता है, इसका मेडिकल नाम क्या है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, कैसे इसका उपचार किया जाता है और क्यों इसको अब एक नई आफत के रूप में देखा जा रहा है। तो समझेंगे आखिर ये पूरा व्हाइट फंगस का मुद्दा क्या है। आपको पता है कि इस समय हम सभी लोग दो चीज़ों का सामना कर रहे हैं, दो महामारियाँ हमारे सामने हैं और एक है कोविड और दूसरा है ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस को कई राज्यों में महामारी घोषित कर दिया गया है और चूंकि इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं इसलिए चिंताजनक है। वहीं ब्लैक फंगस के बाद जो है कि व्हाइट फंगस ने भी अब अपने पैर पसारने प्रारंभ कर दिए हैं। इस व्हाइट फंगस का जो मेडिकल नाम है वो बोला जाता है कैंडिडियोसिस। तो कैंडिडियोसिस या व्हाइट फंगस एक ही है। व्हाइट फंगस के चार मरीज जो है कि पटना में मिले हैं। पटना मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में माइक्रोबायोलॉजी विभाग के प्रमुख एसएन के अनुसार जो चार मरीज थे इनमें कोरोना जैसे लक्षण थे पर कोरोना नहीं था, अर्थात कोरोना के जितने भी टेस्ट होते हैं वो सब किए गए तो कोरोना जो है कि डिटेक्ट तो नहीं हुआ, लेकिन पता चला कि यह लोग व्हाइट फंगस से संक्रमित थे। इसीलिए इनके उपचार के लिए क्या किया गया, एंटी फंगल दवाओं का प्रयोग किया गया क्योंकि ये फंगस की एक बीमारी से संक्रमित थे और एंटी फंगल दवाओं से ही यह मरीज क्या हो गए, ठीक हो गए। अब इससे यह पता चला कि जो कोरोना जैसे लक्षण हैं वो हमेशा कोरोना हो जरूरी नहीं है। बहुत सी ऐसी बीमारियां जो पहले सामान्य हुआ करती थी कोरोना के फेज में वह अपना जटिल रूप धारण करती जा रही हैं और एक नई बीमारी के रूप में सामने आ रही हैं। दरअसल यह जो पूरा जो व्हाइट फंगस है ये इसलिए चुनौतीपूर्ण है क्योंकि इस समय अगर किसी व्यक्ति को इस फंगस का वह शिकार हो जाता है तो उसको लगेगा कि वह कोरोना से संक्रमित है और बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, टेस्ट नहीं करवा रहे हैं, खुद से दवा लेने लग जा रहे हैं और दवा में क्या लेते हैं, वो स्टेरॉयड लेते हैं, जो है कि एंटीबायोटिक मेडिसिन लेते हैं। इससे क्या होता है, शरीर कमज़ोर होता है, इम्यूनिटी कमज़ोर होता है। तो उनके अंदर चूँकि कोरोना तो नहीं था, कोविड नहीं था, लेकिन उन्होंने स्टेरॉयड लिया जो है कि बहुत से जो है कि एंटीबायोटिक लिए, इससे क्या होता है जो शरीर की इम्यूनिटी है वो कमजोर हो जाती है और यह जो व्हाइट फंगस है यह क्या हो जाता है, खतरे का रूप धारण कर लेता है। इस समय यह जो बीमारी है यह इसलिए ज्यादा चिंताजनक है क्योंकि कोविड और व्हाइट फंगस के जो सिम्टम्स अभी मिल रहे हैं उन दोनों में अंतर करना कठिन है। तो कहना यह है विशेषज्ञों का कि अभी पटना में तो यह जो है कि माइक्रोबायोलॉजी विभाग के जो डॉक्टर थे उन्होंने इस पर काफी जो है कि रिसर्च किया, इसका पता लगा लिया, लेकिन पूरे देश में अगर देखें तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो इससे संक्रमित हो चुके हैं या फिर जो है कि इसी का शिकार हैं और उनको पता भी नहीं है और वो कोविड का क्या कर रहे हैं, मेडिसिंस ले रहे हैं। इससे संक्रमित होने वाले लोगों में जो लोग हैं उनकी फेफड़ों को क्षति पहुंच रही है, किडनी खराब हो रही है, आंत खराब हो रहा है, मुंह का जो अंदरूनी भाग है वह खराब हो रहा है। इसके अलावा स्किन, नाखून और जो गुप्तांग है और ब्रेन आदि को भी ये डैमेज कर रहा है। अगर देखा जाए तो यह नुकसान क्या कर रहा है, ठीक उसी तरह से जैसे कोविड करता है वह कर रहा है और इसी के कारण जो है कि जिस तरह से पोस्ट कोविड की समस्या है इसमें भी क्या हो रहा है, जो लोग व्हाइट फंगस के शिकार हो रहे हैं उनको लंबे समय तक क्या करवाना पड़ रहा है, उपचार करवाना पड़ रहा है। हाँ, लेकिन इसमें यह जरूर है कि यह जो है कि अगर सही समय पर इलाज करवाया जाए तो कोविड जैसा खतरनाक नहीं है। HRCT में कोरोना जैसे लक्षण दिखने पर रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट और फंगस के लिए बलगम कल्चर कराना चाहिए, तभी हम इसका पता लगा सकते हैं। व्हाइट फंगस के भी वही कारण है जो ब्लैक फंगस के हैं। सामान्यतः ये देखा जा रहा है कि जिन लोगों को पहले से स्टेरॉयड दिया जा रहा है, एंटीबायोटिक दिया जा रहा है या फिर जिनको जो है कि ऑक्सीजन पर रखा गया है, वेंटिलेटर पर रखा गया है, तो ये जो लोग हैं क्या है, क्रिटिकल हैं और इन लोगों का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो कमज़ोर हो चुका है। ऐसे में
ये जो वाइट जो है कि फंगस है, ये पहले से ही है, अर्थात ये कोई नई बीमारी नहीं है, पहले से चली आ रही है। लेकिन जिन लोगों की प्रतिरोधक क्षमता किसी भी कारण से, या तो उनको कोई सेकेंडरी डिजीज पहले से है, डायबिटीज है, कैंसर के पेशेंट हैं, बीपी के पेशेंट हैं, या फिर जो है कि गर्भवती महिलाएं हैं, ऐसे लोगों को क्या कर रहा है, ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। लेकिन इसमें जो कहा जा रहा है वह यह है कि कोरोना में के दौरान अगर आप ज़्यादा एंटीबायोटिक लेते हैं, ज़्यादा स्टेरॉयड का सेवन करते हैं, तो आपके लिए खतरनाक हो सकता है, उससे ब्लैक फंगस भी हो सकता है और वाइट फंगस भी हो सकता है। और जैसा कि मैंने बताया कि इसको अगर आपको जो है कि इसका उपचार करना है तो आपको क्या करना होगा, एंटी फंगल मेडिसिन लेना होगा, लेकिन डॉक्टर की सलाह पर लेना होगा। इसके बचाव से वही उपाय करने हैं जो कि हम लोग ब्लैक फंगस से करते आ रहे हैं। जिन लोगों को ऑक्सीजन पर रखा गया है, वेंटिलेटर पर रखा गया है, तो वहाँ का जो माहौल है उसको देखना होगा कि ज़्यादा ह्यूमिडिटी ना हो, वहाँ पर जो है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस ना हो। पोस्ट कोविड में जैसे लोग आकर अपना उपचार करते हैं, अपना ख्याल रखते हैं, हाइजीन रखते हैं अपने आप को जो है कि, उन सब चीज़ों का ख्याल इसमें भी आपको रखना होगा। अर्थात अगर कोई व्यक्ति कोविड का शिकार हो गया है तो उसको वाइट फंगस ना हो, उसके लिए ज़रूरी है कि वो सभी तरह कि वह उपचार करे, जिससे वह जो हाइजीन रह सके, अपने आप को स्वस्थ रख सके, और किसी भी प्रकार के धूल मिट्टी या जो है कि ऐसे जो है कि रुके हुए पानी या फिर नमी वाले वातावरण से वह दूर रख सके। तो ये तो था अभी इस चर्चा में क्यों है। अब हम समझते हैं कैंडियोसिस या कैंडिमस जो एक कैंडिडा संक्रमण होता है, होता क्या है। कैंडियोसिस एक प्रकार का क्या है, फंगस होता है जो त्वचा पर किसी भी स्थान पर इन्फेक्शन कर सकता है। यह जो कैंडियोसिस फंगस है, यह वायुमंडल में पाया जाता है, मिट्टी में पाया जाता है, हर जगह पाया जाता है, और समानता आपके जो है कि यह जो है कि किसी स्किन पर भी रह सकता है, आपके वाल पर रह सकता है, आपको पता भी नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जब आपकी इम्यूनिटी मजबूत होती है तो यह अगर जो है कि फंगस है तो कभी चकत्ते आपके बॉडी पड़ जाते हैं, लगता है किसी जीव ने काट लिया, ऐसा कुछ होता है। लेकिन शरीर आपका जो इम्यूनिटी जब मजबूत होती है तो ये जो वाइट फंगस है उससे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर आपका शरीर कोविड या किसी दूसरी बीमारी के कारण कमजोर हो चुका है, प्रतिरोधक क्षमता उसकी कमजोर हो चुकी है, तो यह फंगस क्या होता है, जानलेवा भी साबित हो सकता है। सामान्यतः जो लोग दूसरी बीमारी से ग्रसित होते हैं उनको ये ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, और समय पर इलाज ना कराने पर ये घातक रूप धारण कर लेता है। इसलिए फंगस का जो समानता है, यह आपके बाल में, नाखून पे, त्वचा पर, वातावरण से आ जाता है, लेकिन जब ये शरीर में प्रवेश करता है तो ये क्या करता है, अपने आप को थोड़ा सा तेज़ी से आगे बढ़ाता है। जो गर्म और नम वातावरण होता है, अर्थात हॉट और ह्यूमिड इन्वायरमेंट होता है, जो लोग सफाई से नहीं रहते, अधिक जो है कि तंग कपड़े पहनते, टाइट कपड़े पहनते हैं, को जो है कि इसके होने की संभावना ज़्यादा रहता है। ये भी देखा गया है कि यह उन शरीर के उस क्षेत्र में अपना विकास ज़्यादा करता है जहाँ पर पसीना होता है, और खासकर जो है कि उन लोगों को ज़्यादा टारगेट करता है जो ज़्यादा एंटीबायोटिक लेते हैं, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं, चीनी का सेवन करते हैं, शराब और जंक फूड का सेवन करते हैं, उनके लिए दिक्कत करता है। अत्यधिक तनाव के कारण भी ये बढ़ सकता है। गर्भवती महिलाएँ, डायबिटीज और हाइपोथायरॉइडिज्म के जो मरीज होते हैं, वह इसके लिए क्या होते हैं, इसके संक्रमित होने के लिए संवेदनशील होते हैं। इसमें प्रयास किया जाता है कि यह जो इन्फेक्शन है, यह जैसे ही स्किन पर या किसी भाग पर हो उसको रोका जाए, क्योंकि जब अंदर ही पहुंच जाता है तो काफ़ी दिक्कत होती है, बुखार आता है, कमजोरी आती है, थकान होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, ऑक्सीजन लेवल भी इसमें कम चला जा सकता है, सिर दर्द होता है, पेट दर्द होता है, अर्थात आपको लगेगा जैसे कोविड जैसी समस्या है। अब ये जो कई प्रकार का होता है, त्वचा पर हो सकता है, यह जो कि मुंह में हो सकता है, आपके जीभ में हो सकता है, किसी भाग में हो सकता है, ये योनि में हो सकता है, आपके प्राइवेट पार्ट्स में हो सकता है, और ये जहाँ पर होता है वहीं पर इसका उपचार किया जाता है। इसलिए जो है कि इसके उपचार के लिए जैसे तीन प्रकार हैं, तीनों जगहों पर कहीं पर भी हो सकता है, तो जहाँ पर होता है उसी पार्ट्स का क्या किया जाता है, इलाज किया जाता है। कई बार मेडिसिन की ज़रूरत होती है, कई बार सफाई किया जाता है, कई बार जो है कि कुछ अन्य चीज़ों का भी सहारा आप ले सकते हैं। तो पता कैसे लगाएं कि आखिर इसके आप शिकार हो चुके हैं, तो यदि आपके शरीर पर चकत्ते पड़ते हैं, दाना निकलता है, तो आपको थोड़ा सचेत हो जाना चाहिए, और प्रभावित जो भी क्षेत्र है, सेल्स है, जीभ है, या जो है कि कोई भी स्किन का पार्ट हो सकता है, उसका परीक्षण करना चाहिए। इसके लिए बाल का परीक्षण किया जाता है, नाखून से परीक्षण किया जा सकता है, अन्य अंगों का सहारा लिया जा सकता है, बलगम के माध्यम से भी परीक्षण हो सकता है। इलाज के लिए एंटी फंगल दवाओं का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन डॉक्टर की सलाह पर, क्योंकि जो एंटी फंगल दवाएं हैं, जैसा कि हमने बताया, तीन प्रकार का है, तो हर जगह के लिए
अलग अलग है, कितना संक्रमण हुआ है, कितना जल्दी उसको रोकना है। लेकिन जो भी दवाएं इसमें ली जाती हैं उसमें प्रयास यही किया जाता है कि जल्दी से जल्दी इन्फेक्शन को रोका जाए, ब्लड तक ना पहुंचे, क्योंकि शरीर में पहुंचने के बाद ये थोड़ा जटिल रूप धारण कर देता है। घरेलू उपचार के रूप में आप जो है कि जैसे ही आपको ऐसा कुछ लगे तो नमक वाले जो पानी होता है गर्म पानी उससे गरारा करना चाहिए। दही का आप सेवन कर सकते हैं, उससे क्या होता है उसमें बहुत से जो है कि ऐसे तत्व होते हैं, बहुत से ऐसे जीव होते हैं जो आपके बॉडी में जाते हैं, शरीर के लिए फायदेमंद होता है। नारियल का जो तेल है उसका प्रयोग आप जो है कि अगर आपकी स्किन पर कहीं है तो उसका कर सकते हैं। सेब का सिरका उपयोग में लाया जा सकता है और विटामिन सी के जितने भी स्रोत हैं आप उसका उपयोग कर सकते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे कि यह जो व्हाइट फंगस है यह जो है कि कोई नई बीमारी नहीं है, पहले से है, लेकिन अब क्या हो रहा है चूंकि कोविड के दौरान जो है कि लोगों की इम्यूनिटी कमजोर हो रही है तो इसके वजह से दिक्कत हो रही है। हाँ, जो लोग कोविड से जो है कि इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं उन लोगों में अगर ये हो रहा है तो ये क्या हो रहा है एंटी फंगस जो मेडिसिन है उनका प्रयोग करके वह अपना जो है कि उपचार कर ले रहे हैं। लेकिन यह आपको दवाएं अपने हिसाब से नहीं लेनी है, डॉक्टर की सलाह पर लेनी है। आई होप आप समझ पाए होंगे। संक्षेप में इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।